दोस्तों चेतेश्वर पुजारा को इंग्लैंड के खिलाफ एज बेस्टन टेस्ट में पहली पारी में बेहतर ओपनर मैदान पर उतारा गया। हालांकि पुजारा कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, वह 13 रन बनाकर ही आउट हो गए। चेतेश्वर पुजारा वैसे तो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन इस मुकाबले में उन्होंने ओपनर के रूप में भेजा गया। हालांकि ओपनर बनने पर भी उनकी किस्मत नहीं बदली। चेतेश्वर पुजारा को जेम्स एडिसन ने अपना शिकार बनाया। पुजारा 12वीं बार जेम्स एडिसन की गेंद पर आउट हुए हैं। इसी के साथ उनके नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। उन्होंने इस मामले में भारत के दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर की बराबरी कर ली है। किसी एक गेंदबाज के खिलाफ सबसे ज्यादा बार आउट होने का रिकॉर्ड पहले सुनील गावस्कर के नाम दर्ज था, जो अपने टेस्ट करियर में 12 बार ड्रेक अंडरवुड के गेंद पर आउट हुए। लेकिन अब चेतेश्वर पुजारा इनकी बराबरी पर पहुंच गए हैं। वह 12वीं बार जेम्स एडिसन के खिलाफ टेस्ट में आउट हुए। चेतेश्वर पुजारा के रिकॉर्ड की बराबरी कोई भी बल्लेबाज नहीं करना चाहेगा। मौजूदा सीरीज के 5 मैचों की पहली पारी में चेतेश्वर पुजारा जेम्स एडिसन का ही शिकार बने। पुजारा ने 4 नाव 1 चार और 13 रन बनाए। पुजारा पिछले काफी समय से खराब परफॉर्मेंस से गुजर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हाल ही में काउंटी क्रिकेट के शानदार प्रदर्शन किया था, जिस वजह से उन्हें एज बेस्टन क्रिकेट के लिए भारतीय टीम में चुना गया। लेकिन वह उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सके और फ्लॉप हो गए। और भी इसी तरह के क्रिकेट से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्पोर्ट भारत को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।